नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ, और आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। ये विषय है कोविड वैक्सीन का। कोविड वैक्सीन को लेकर इस हफ्ते जो बड़े खुलासे किए गए हैं, और एक जो सबसे बड़ा खुलासा वो ब्रिटिश अदालत में हुआ एस्ट्राजेनेका की तरफ से, कि इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, गंभीर समस्याएं जिसने डोजेज ली हैं उनको हो सकती हैं। हालांकि उन्होंने ये दावा किया है कि ये रेयर केस है, लेकिन क्या भारत के कॉन्टेक्स्ट में, भारत के अगर हम संदर्भ में इस चीज़ को समझें, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है क्या? क्योंकि ब्रिटेन में या फिर कुछ पश्चिमी जो देश हैं उन्होंने तो इसको मैंडेटरी नहीं किया था कि आपको लेना ही पड़ेगा, ये वैक्सीन लगानी ही पड़ेगी, लेकिन भारत में इसके उलट वैक्सीन मैंडेटरी किया गया था, अनिवार्य किया गया था, और इसे कई जो है जो दैनिक रूटीन है उसके लिए मैंडेटरी कर दिया गया था। यानी कि जो लोग घर से बाहर निकलकर दिहाड़ी करते हैं और अपने आजीविका चलाने की कोशिशें करते हैं, नौकरी करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उसके लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया था। बहुत से दावे आए थे इसे लेकर, लेकिन इन दावों की कहीं ना कहीं जो है सच्चाई क्या है, अब इस पर सवाल उठ रहा है। सवाल क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय, उसने अभी तक ये जो आम जनता की परेशानियां हैं, उनके मन में ये जो शंकाएं अब और ज़्यादा तेज़ हो गई हैं, उसे लेकर कोई स्पष्टीकरण तक सामने नहीं आया है। भारत में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन क्या पब्लिक हेल्थ कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे इतने इस स्तर पर इग्नोर किया जा सकता है? कोई जवाब नहीं आना, इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना चर्चा द ट्रूथ में इस बार हम किसी हेल्थ एक्सपर्ट के ज़रिए इस मुद्दे को समझे कि एस्ट्राजेनेका का जो कबूलनामा है वो भारत में कोविशील्ड के जो डोजेज़ दिए गए हैं उससे जो जोड़ कर देखा जाए तो ये कितने गंभीर हैं, और क्यों ना इस पर कोई फॉलोअप या फिर कोई स्पष्टीकरण या फिर जो भी ज़रूरी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो सरकार की तरफ से सामने नहीं आ पाई। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं बिना ज़्यादा समय लिए। आप दर्शकों का हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर हिमांशु कौशिक हैं, जो कि स्वयं बहुत ही गहराई से जो पब्लिक हेल्थ है उसे डे टू डे बेसिस पर डील करते रहते हैं, और खुद भारत के जो राष्ट्रीय मिशन है, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन, उससे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका डॉक्टर हिमांशु कौशिक। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हम ये समझ पाने में आज शायद हमें आसानी होगी, हमारे दर्शकों को आसानी होगी कि असल में भारत में जो कोविड का वैक्सीन है, इसकी ये जो चिंताएं अब आम लोगों के बीच में और ज़्यादा तेज़ देखी जा रही हैं, वो वाकई में कितनी बड़ी चिंता है। शुरुआत में एस्ट्राजेनेका के कबूलनामे से समझना चाहूँगी कि एज अ डॉक्टर, एज अ हेल्थ एक्सपर्ट, आप इस तरह के खुलासों पर क्या समीक्षा रखते हैं, क्या आकलन रखते हैं? थैंक यू मैम। पहले बात करेंगे कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोविशील्ड की बात करेंगे तो कोविशील्ड को एस्ट्राजेनेका ने डेवलप किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, और उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको मैन्युफैक्चर किया जी। तो जनवरी 2021 में जो कोविशील्ड की डोजेस थी उसको सबसे पहले एडमिनिस्टर किया गया था, और हेल्थ वर्कर्स पे ही सबसे पहले वो डोजेस लगाई गई थी जी। देखिए, अगर वैक्सीन की बात करते हैं तो वैक्सीन को डेवलप करने में जो एक मिनिमम टाइम और जो प्रोसेस रहती है वो काफी लंबा रहता है, क्योंकि वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जाता है बॉडी में एक खास तरह की बीमारी की रोकथाम के लिए। तो अलग अलग वैक्सीन डेवलप हुई है, मीजल्स के लिए, IPV, OPV, तो मतलब आप ये मान के चलिए कि शुरू से ही वर्ल्ड में अलग अलग वैक्सीन को डेवलप किया गया है, और उसके लिए जो टाइम पीरियड रहा है वो भी काफी लंबा रहा है। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि कोई भी हमारी वायरल डिजीज है या कोई ऐसी डिजीज है जो कम्युनिकेबल डिजीज की उस कैटेगरी में आती है, तो उसको इलेमिनेट करने के लिए काफी लंबा लंबा समय जो है वो लगा है। इसी कड़ी में एक वैक्सीन बनी, कोविड आया, कोविड मार्च 2020 में इंडिया में भी आया, उसके बाद लॉकडाउन लगे, सिवियर लॉकडाउन लगे, और हेल्थ कंडीशंस की बात की गई, लॉकडाउन ओपन हुआ, उसके बाद कोविड ने फैलना शुरू किया जी। तो सिम्टम्स काफी डेंजरस थे, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज थी, पेंडेमिक था, पूरे वर्ल्ड को इसने घेर रखा था, तो उस हिसाब से फिर वैक्सीन की आवश्यकता हुई जी। तो ICMR ने वैक्सीन बनानी शुरू की, एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड,
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग इसकी शुरू की, और उसके बाद आप ये मानेंगे कि ट्रायल्स तो हुए, ऐसा नहीं है कि ट्रायल्स नहीं हुए, लेकिन समय की नजाकता को देखते हुए बोल लो आप, या समय की मांग को देखते जरूरत को हुए जो देखते हुए ट्रायल, जी समय की जरूरत को देखते हुए जो ट्रायल्स जो थे आपके, जिनको 17-18 साल लग जाते हैं, वो ट्रायल्स 9 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट किए गए। जी जी और जब ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई तो कहा गया कि बिल्कुल सेफ है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जैसा कि लोगों के दिल में जो एक डर फैल रहा था उस टाइम पे भी, कोविशील्ड को लेकर, कोवैक्सीन को लेकर, कि अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसके भी बारे में भी एक गाइडलाइन दी गई प्रॉपर, और उसमें भी कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। जी और उसके बाद इसका एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया गया। जी तो एडमिनिस्ट्रेशन जब शुरू किया गया तो भी बात करें तो ऐसा कहीं भी नजर नहीं आया कि शायद इसका कोई साइड इफेक्ट हो या कुछ ऐसा है। फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर की गई, जी उसके बाद 3 मंथ्स के बाद सेकेंड डोज को एडमिनिस्टर किया गया, और उसके तकरीबन तकरीबन 6 मंथ्स के या 9 मंथ्स के बाद, किसी को 6 मंथ्स के बाद, किसी को 9 मंथ्स के बाद, तो वो थर्ड डोज भी, उसको बूस्टर डोज दी गई। जी और ये इंडिया की हमारी ऐसी कंट्री रही जहां पे 3 डोजेस बूस्टर डोजेस के साथ मिला के दी गई है, अदरवाइज हर जगह 1 या 2 डोज में काम हो गया है। तो ये अगर तीसरा इन डोज क्या सारी, जरूरी था जो बूस्टर डोज कहा जा रहा था, क्या ये जरूरी था या ये कमर्शियलाइजेशन का कुछ एक पहलू, ये जो शक जताया जाता है इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा रहता है वैक्सीन के, मैं बात करूंगा तो हम जैसे बच्चों में भी वैक्सीन देते हैं तो पोलियो की डोज होती है, तो जी उसमें ओपीवी बूस्टर एक डोज रहती है, हेपेटाइटिस बी के लिए बूस्टर एक डोज रहती है, और वैसे ही अगली बाकी भी काफी चीजों के लिए बूस्टर डोजेस रहती हैं। जी तो उसमें ऐसा नहीं है कि बूस्टर डोज का कोई फायदा नहीं है, बूस्टर डोज का अपने आप एक फायदा रहता है कि थोड़े बहुत भी अगर एंटीबॉडीज कुछ बचते हैं या कुछ ऐसा रहता है तो उसको प्रॉपरली एक मात्रा में दोबारा डोज देके उसको खत्म कर दिया जाता है, जी तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं रहती है। तो बूस्टर डोज के लिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बूस्टर डोज गलत थी या उसका एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम गलत था, क्योंकि कोविड में आप देखेंगे तो फर्स्ट वेव के अराउंड हमारे पास वैक्सीन डेवलप हो रही थी, वैक्सीन डेवलप नहीं हुई थी उस टाइम जी तक। जी तो फर्स्ट वेव खत्म होते होते हमारे पास वैक्सीन आई है, उसके बाद उसका एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया गया, वो भी पहले हेल्थ वर्कर्स को, उसके बाद बूढ़ों को, और उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स, इस हिसाब से डिवाइड करके फिर वो लोगों तक पहुंची है। जी और सेकेंड वेव तक आते आते जब डेथ्स भी बढ़ गई, डेथ केसेस बढ़ गए, लाइफ थ्रेटनिंग हो गई डिजीज काफी, और कोविड जो था वो एक नए रूप में वापिस आया, तो तब जो था तब सेकेंड डोज आपकी आई है। तो बिल्कुल सेकेंड डोज लगवाने के बाद लोगों ने अपने आप को रिलैक्स कर लिया था, बूस्टर डोज की इतनी ज्यादा आवश्यकता किसी को भी लग नहीं रही थी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने बूस्टर डोज के लिए कहा। जो मैं बात करूं तो आपकी फर्स्ट डोज काफी लगी है इंडिया में, अराउंड 90 करोड़ के आसपास फर्स्ट डोज लगी है, सेकेंड डोज सॉरी इंडिया में अराउंड 70 करोड़ के आसपास फर्स्ट डोज लगी थी, जी फर्स्ट और सेकेंड डोज मिलाकर 70 करोड़ हुए थे, और थर्ड डोज जो थी उसको मिलाकर टोटल 90 करोड़ पहुंचा है। तो थर्ड डोज जो थी, बूस्टर डोज जो है, वो इंडिया में बहुत कम एडमिनिस्टर हुई है, ओके लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड डोज लगवाने के बाद थर्ड डोज लगवाई ही नहीं है। तो उसमें आप कह ये सकते हैं उन्हीं कि लोग, चिंताओं के नतीजे रहे जिनमें ये कहा जा रहा है कि क्योंकि ये प्रॉपर ट्रायल के जरिए वैक्सीन नहीं आई थी, इसलिए लोगों के मन में संदेह शंकाएं बनी हुई थी, और उन्हीं संदेह और शंकाओं को एस्ट्राजेनेका के कबूलनामे ने और मजबूत किया है। इस हफ्ते समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एस्ट्राजेनेका, जिसने कोविशील्ड वैक्सीन डेवलप की और इसका भारत में जो उत्पादन है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसने किया, आखिर इनकी जवाबदेही क्या है और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की जवाबदेही क्या है, पब्लिक हेल्थ की जो स्थिति भारत में है उसे इसे जोड़कर किस तरह से देखा जाना चाहिए। हमारे साथ हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर हिमांशु कौशिक जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर हिमांशु, मैं समझना चाहूँगी कि आपने जो खबर देखी तो फिर आपका आकलन इस पर क्या था? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना, इस तरह के मामले जो हैं गंभीर समस्याएं, वो रेयर केस में हो सकती है। आप भी यही मानते हैं कि ये रेयर केस में हो सकती है या फिर इसका दायरा बड़ा है? देखिए इन्होंने जो एक एस्ट्राजेनिका ने जो यूके की हाई को यूके की सुप्रीम कोर्ट में जो एक जी इन्होंने स्टेटमेंट अपना दी। दाखिल किया था, स्टेटमेंट जो दी थी, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला था टीटीएस, जी टीटीएस जो होता है वो आपका ये मान के चलिए कि थ्रोम्बोसिस विद
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जी तो ये एक काइंड ऑफ डिजीज है जिसमें आप ये मान के चलिए कि आपकी प्लेटलेट्स लो होने की वजह से क्लॉट्स फॉर्मेशन होती है बॉडी में। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अपने आप में एक रेयर डिजीज है, बहुत कम ऐसा होता है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बेसिकली आप मान के चलिए कि कोई मतलब ऐसी कंडीशन में ही देखने को मिलेगा जिसमें आदमी की बॉडी की जो प्लेटलेट्स है वो बन नहीं रही है। लेकिन अगर हम थ्रोम्बोसिस की बात करें तो थ्रोम्बोसिस एक बहुत कॉमन डिजीज है और कार्डियक अरेस्ट का मतलब आप ये मान के चलिए कोई भी हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिसको कार्डियक प्रॉब्लम्स है तो ऐसे केसेस में भी पेशेंट को एस्पिरिन या इकोस्प्रिन ऐसी टेबलेट्स एंटीकोगुलेंट्स दिए जाते हैं ताकि कोगुलेशन ना हो जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक स्ट्रोक्स आते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो टीटीएस इन्होंने कहा है दैट इज अ रेयर डिजीज। बट अगर बात की जाए पिछले 2 सालों की तो 2 सालों में आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही जो एनसीआरबी का डाटा है उसमें मान के चलिए आप 12% इंक्रीज है कार्डियक अरेस्ट में। जो डेथ्स पहले हो रही थी उसके मुकाबले जो अब डेथ्स हो रही है उसमें 12% इंक्रीज है। तो अगर 12% इंक्रीज की बात करें तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है कि अभी रिसेंटली की स्टडी में देखा गया है, अभी रिसेंटली जो एक कुछ कार्डियक स्टडीज के कार्डियक अरेस्ट के बारे में जो स्टडी की गई थी उसमें भी देखा गया कि 30-30 साल के लोग और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है 30 साल का कोई 36 साल का 40 साल का इन लोगों की डेथ हुई है कहीं ना कहीं। तो आफ्टर कोविड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है बॉडी में जिसकी वजह से ये डेथ्स हो रही है। और अब एस्ट्राजेनिका ने जब ये कबूल किया है कि टीटीएस जो है दैट इज अ रेयर साइड इफेक्ट फ्रॉम कोविशील्ड तो लोगों के मन में संदेह आना जो है वो एक कॉमन सी बात है कि जिसके बारे में आप पहले बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है इंडिया में पहले भी। अब मैं एक बीइंग अ डॉक्टर मैं कोविड को काफी नजदीक से देख चुका हूँ और कोविड के टाइम में काफी नजदीक से अपनी सर्विसेज भी देख चुका हूँ। तो अब भी अगर मैं बात करता हूँ लोगों से वैक्सीन के बारे में तो कहीं ना कहीं लोग ये बात पहले भी कर रहे थे कि वैक्सीन लेने के बाद से ब्लड की जो थिकनेस है वो बढ़ गई है, ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो बढ़ गई है, उसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ रहा है या हमारा कार्डियक कोशिश में रोक रही है। हाउ ऑफन यू वर गेटिंग दीज कंप्लेंट्स और स्टेटमेंट्स फ्रॉम योर पेशेंट्स कि ये उन्हें एक्सपीरियंस वो कर रहे हैं कितने ये क्या जेनरिक था या फिर जी आप ये मान के चलिए कि अगर मैं 100 लोगों की बात करता हूँ तो 100 पीपल में अराउंड 10-15% people were complaining about these things. तो इसके भी बात करते हैं मेरे को पहले कोई ऐसी problem नहीं थी but now on हाँ मेरे को एक फायदा हुआ मेरे जोड़ों के दर्द खत्म हो गए। मतलब कुछ लोगों का ये भी मानना था कि कोविड की वैक्सीन लगवाने के बाद मेरे जोड़ों के दर्द खत्म हो गए। ठीक है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो थी वो खत्म हुई है, ट्यूबरक्लोसिस में भी फर्क पड़ा है ऐसा नहीं है। लेकिन कई लोगों का ये भी मानना था कि हमने ब्लड डोनेशन शुरू कर दिया है, हमारा एचबी बढ़ा है, एचबी बढ़ने की वजह से हमारा जो है ब्लड की थिकनेस बढ़ी है, उसकी वजह से बीमारियां शुरू हुई हैं हमारी बॉडी में। तो कहीं ना कहीं हमने ब्लड डोनेशन के लिए देखना शुरू कर दिया है कि पहले हम 2-3 साल में ब्लड डोनेट किया करते थे, अब हमारे 1 साल में 8 महीने में ब्लड डोनेट करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम थी बट लोगों को वैक्सीन के बारे में कहीं भी ऐसा नहीं था कि ये वैक्सीन गलत है या कुछ है। और अभी भी मैं यही कहूंगा कि वैक्सीन के बारे में मैं अभी भी नहीं कह सकता या कोई अभी भी नहीं कह सकता है कि वैक्सीन की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। पर आपने अब ये कबूल किया है कि वैक्सीन की वजह से टीटीएस हो सकता है या ब्रेन स्ट्रोक्स में हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट आ सकते हैं। अगर यही चीज आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स जो थे ये पहले शायद लोगों के सामने रखे होते तो लोग उसी हिसाब से अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखते। क्योंकि आपने अपनी बॉडी पे वैक्सीन लगवाना है वो आपका अपना अधिकार है, आई कांट फोर्स की हाँ आप आइए आप वैक्सीन लगवाइए। तो डॉक्टर हिमांशु क्या आप मानते हैं कि भारत सरकार ने जो इसको मैंडेटरी किया था ये गलत स्टेप हो गया, बल्कि जो अन्य देश जो हैं दुनिया के उन्होंने जिस तरीके से नागरिकों पर छोड़ दिया था, आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहता है ये आपका ही फैसला होगा, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं रहेगा? ऐसा है मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया इज अराउंड नाउ अराउंड 135 करोड़ पॉपुलेशन जी 142 इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए और इतनी बड़ी कंट्री में कोविड को हैंडल करने के लिए और वो भी आपने ये भी देखना है कि इकोनॉमी आपकी जो है इकोनॉमी को ना ज्यादा झटका लगे, आपका जो पर कैपिटा इनकम है वो कम ना हो, लोगों को रोजगार मिलता रहे, खाने के लिए खाना मिलता रहे, तो उन चीजों को देखते हुए कुछ स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने ली थी डिजीज के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल ठीक थी।
मैं उस चीज के लिए मना नहीं करता, वो जी बिल्कुल ठीक था कि आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी ताकि डेथ रेट घटाया जा सके। लेकिन जी बात वहां आती है कि आपने वैक्सीन तो लगवा दिया लेकिन उसके बाद का फॉलो अप जो था वो आप लेना भूल गए, कि जी तो आपने वैक्सीन फॉलो लगवाया अप है, फिर आपको वैक्सीन अगेन के इट बाद इज़ कोई अ प्रॉब्लम नहीं आई। अगेन हिमांशु जी, मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन अगेन दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो व्हाट आवर पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री इज़ डूइंग राइट नाउ, अभी तक कोई स्टेटमेंट का नहीं आना, मुझे लगता कि कहीं ना कहीं इस मसले को बहुत इग्नोर करने की कोशिश भी की जा रही है, जबकि देखिए दो, जी इसमें दो चीजें रहती है, मैं आपको बताऊं। अभी आईसीएमआर ने एक अपना स्टेटमेंट दिया है कि वैक्सीन जो है वो बिल्कुल सेफ है, और जो बात करें हम तो 10 करोड़ लोगों में एक या दो लोगों को ही उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, तो इतना आप ये मान के चलिए 0.0001% ये सिम्टम्स आते ही आते हैं। आप कोई भी वैक्सीन हो तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो रहते ही रहते हैं। जी तो इस मामले में आईसीएमआर की स्टेटमेंट आ चुकी है, हालांकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसके बारे में कोई भी अभी ऐसी न्यूज़ नहीं दी है या इसके बारे में कोई भी ऐसा वो नहीं किया है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से जरूर जवाब मांगा है, हेल्थ मिनिस्ट्री से जरूर इसके बारे में, हेल्थ सेक्रेटरी से जवाब मांगा गया है, प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी जो है उनसे, कि आप बताइए कि कोविशील्ड का क्या है और कितना इसके साइड इफेक्ट्स जो है, कितने इसके डाटा एक प्रोवाइड कीजिए कि आपने जो स्टडी की है उसमें कितना इसके लोगों को हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो देखने को मिले हैं। तो जी उसके बारे में अभी जब डाटा प्रोड्यूस होगा तब हम बात कर सकते हैं कि कितने लोगों पे इसका फॉलो अप लिया गया और कितने लोगों को इसका देखा गया, जांच पे रखा गया। जैसे अब आप कोई भी वैक्सीन लगाते हैं तो उसको एडमिनिस्टर करने के बाद, उसको देने के बाद वैक्सीन को, आप लोगों को कुछ टाइम के लिए निगरानी में रखते हैं कि अगर जी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है तो आप बताइए। तो वैक्सीन के लिए भी वैसे ही कहा गया था कि आपको 1 डे 2 डे या 1 विद इन अ वीक कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइए। जी और अब कहा जाता है कि वैक्सीन को देने के बाद कोई दिक्कत नहीं आती है कायदे से। जी तो अब मैं बात करूं तो अब 2 साल हो चुके हैं तकरीबन तकरीबन सबको वैक्सीन लिए हुए, तो अभी तक तो ऐसी कोई सिवियर प्रॉब्लम तो हमारे को किसी को भी नजर नहीं आई है। तो ठीक है, अच्छी बात है, वैक्सीन सेफ साइड पे गई है, सब कुछ है। थोड़ा यहाँ जो कमियां रही है वो सिर्फ ये रही है कि फॉलो अप नहीं लिया गया वैक्सीन को लेने के बाद, जिसकी वजह से आज ये डर लोगों में आ रहा है। तो अगर अगर कहीं ना फॉलो कहीं अप फॉलो अप नहीं हो हिमांशु रहा। जी, अगर ये फॉलो अप लिया जाता तो हो सकता है कि हम कुछ उन लोगों को बचा पाते जिनको ये हार्ट अटैक की वजह से अकाल मृत्यु का जो है सामना करना पड़ा, जिनको जिनके अपने उनसे बिछड़ गए। क्योंकि खुद ये भारत के आंकड़े कहते हैं कि 12% इंक्रीज ऑफ हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक। मेरे ही जानने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं चलता उनको ब्रेन स्ट्रोक, उनको हार्ट अटैक, इस तरह की बहुत सारी जो समस्याएं हैं, अब बहुत ज़्यादा जो है ऐसा लग रहा है कि आम बात, सामान्य बात हो रही है। जब मैं इस तरह के लोगों को जानती हूँ और जितने भी सर्कल में आप जाइए बात करिए, उन सभी का कमोबेश यही अनुभव है। ये तो समझेंगे कि इसे क्या फॉलो अप के ज़रिए रोका जा सकता था या रोका जा रहा है, जो सवाल उठ रहे हैं उसके बाद इस पब्लिक हेल्थ पर कितनी गंभीरता, कितनी चिंता जो है देखी जा रही है। और अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि बिल्कुल सेफ है, कुछ कह रहे हैं कि 2 से 3 साल के बाद दुष्प्रभाव की आशंका बेहद कम रह जाती है। लेकिन मैं फॉलो अप पर पहले आपसे समझना चाहूँगी डॉक्टर हिमांशु कौशिक, क्या फॉलो अप इतना ज़रूरी था? क्योंकि उन जिंदगियों को भी, हर एक जिंदगी कीमती होती है। एज अ डॉक्टर आप इसको मुझसे बेहतर समझते होंगे, फॉलो अप बहुत ज़रूरी होता है जिसे इग्नोर किया गया। जी बिल्कुल, मैं बात करूंगा तो फॉलो अप एक बहुत अच्छी और एक बहुत जरूरी प्रोसेस आ जाती है। आपको कोई भी, आप मेडिसिन ले रहे हैं, अगर आप खुद भी कोई दवाई खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, किसी भी प्रकार की कोई नई मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो आप अपना फॉलो अप एक खुद रखते हैं। आप डॉक्टर के पास रूटीन में चेकअप के लिए जाते हैं, आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं कि कोई दवाई लेने से आपको साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा बॉडी में गंभीर समस्या तो नहीं आ रही है जो उस दवाई का साइड इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो इस केस में अगर हम बात करें कोवैक्सीन या कोविशील्ड के केस में, हमारे को फॉलो अप की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं नजर आई। आप ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट को बिल्कुल आवश्यकता नजर ही नहीं आई, जो एक बड़ा ड्रॉबैक रहा है। फॉलो अप लेना चाहिए था और लेना जरूरी होता है। और दूसरा ये है कि फॉलो अप का भी एक तरीका रहता है, जो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपने 2000 लोगों पे एक शोध कर लिया और उससे आपने डिसाइड कर लिया कि इसका फॉलो अप जो है वो ये रहेगा। जी आपके पास एक, इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है और इसमें
अलग अलग टाइप के जो एनवायरनमेंट है, अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट में अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं, तो उस हिसाब से फॉलोअप जो था वो फॉलोअप जरूरी बनता था। जी और कहीं ना कहीं इस मामले में चूक हुई है, फॉलोअप के मामले में चूक हुई है, डॉक्टर चाहे हिमांशु, वैक्सीन। इंडिया वो वही देश है जहां पर पोलियो अभियान चलाया जाता है, घर घर जाकर जो आशा वर्कर्स हैं वो बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स देती हैं। कुछ इसी तरह के अभियान की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर हम भारतीय इकोनॉमी की बात करते हैं, अगर हम भारत सरकार की उस नीयत की बात करते हैं कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, क्यों ज़रूरी था भारत के लिए ये, तो फिर इस तरह के अभियान की भी ज़रूरत थी जो कि मिसिंग रही। नहीं देखिए, हम बाकी की बात करें अगर, तो गवर्नमेंट अच्छे अच्छे एक प्रोग्राम्स लेके आ रही है, एनएचएम में अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आ रहे हैं और उसका काफी फायदा भी इंडिया को मिल रहा है। पोलियो इरेडिकेशन में काफी अच्छा फायदा मिला, आपका पोलियो उन्मूलन का जो प्रोग्राम था, पोलियो हम तकरीबन तक ये मान के चलिए 100% इरेडिकेट हो चुका है इंडिया से। अब जी पोलियो बिल्कुल भी, पोलियो के जो नए केसेस है इंडिया में बिल्कुल नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस हम इलेमिनेशन पे पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 2025 का हमने टारगेट रखा हुआ है जी ट्यूबरक्लोसिस को इलेमिनेट करने का, तो उसमें भी आशा वर्कर्स का और आपका हेल्थ सिस्टम का, हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट के स्टाफ का लोगों का जी काफी अच्छा एक, हेल्थ स्टाफ का काफी अच्छा एक योगदान रहा है। और नई नई वैक्सीन जैसे पेंटा 5 आई है, तो नो डाउट हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वैक्सीनेशंस के लिए, हर चीज के लिए। गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है इन चीजों के लिए, दूर दराज के क्षेत्रों में भी जाके पैदल जा जाकर लोगों को जी टाइम टू टाइम वैक्सीनेट किया जा रहा है, तो वो बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इसके लिए भी एक वही था, अब जैसे अब नई एक वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई है, नई तो नहीं मैं बोल सकता, वो बच्चों को भी लग रही है, बीसीजी का टीका जो है, वो बीसीजी वैक्सीन जो है बच्चों को सबसे पहले एडमिनिस्टर की जाती है, पैदा होते ही सबसे पहले बीसीजी लगाई जाती है। तो अब ऐसे ही एक वैक्सीनेशन का दोबारा शेड्यूल आया है कि आपको एडल्ट बीसीजी की वैक्सीन लग रही है, तो उसमें गवर्नमेंट ने देखिए कितना अच्छा एक फीचर दिया है कि आप वैक्सीन लगवा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आपको 3 साल तक फॉलोअप लिया जाएगा, बाकी आपको उस वैक्सीन लगवाने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं आई, कोई समस्या तो नहीं आई, या क्या सिम्टम्स आपके रह रहे हैं, बॉडी में जी वो आपको कैसा असर कर रही है, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन जिसको भी दी गई है उसकी वैक्सीन की, जिस जिसको भी उसको लगाया गया है, उसमें बाकायदा बताया गया है कि आपने 3 साल तक आप जिस एड्रेस पे रह रहे हैं कृपया उस एड्रेस को चेंज मत कीजिएगा, जी अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो आप 3 साल तक उस एड्रेस को चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि आपको हमने फॉलोअप में रखना है, कृपया अपना मोबाइल नंबर ना चेंज कीजिएगा, अपना एड्रेस ना चेंज कीजिएगा। तो ये ऐसा अगर कोविड के टाइम में भी किया गया होता, शायद कोविन की वैक्सीन में भी किया हो गया था, तो लोगों के दिल में आज ये डर ना होता। जी मैं सिर्फ ये बात कहूंगा डर ना होता, क्योंकि वैक्सीन से रिलेटेड समस्या जो है वो जब तक आप ये बोलेंगे कि भी जब तक प्रूव नहीं हो जाता साइंटिफिकली, उसको प्रूव नहीं कर देते कि हाँ आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो वैक्सीन की वजह से इंक्रीज हुई है, जी तो उसको हम वैक्सीन को ब्लेम नहीं कर सकते उसके लिए। ठीक है, लेकिन लेकिन ये जो डर का माहौल जी है लोगों में, और जो लोगों ने एक वैक्सीन को लेकर एक नेगेटिविटी क्रिएट की है, ये शायद ना होती। जी लेकिन डॉक्टर हिमांशु, मैं आपसे ज़रूर ये भी समझना चाहूँगी कि भारत जो है डिजिटल इंडिया जो है इस पर तेज़ी से काम कर चुका है और वर्ल्ड में इसे रिकग्निशन मिल चुकी है, लेकिन जब बात कोविड ऐप की कोविन ऐप की आती है, तो फिर उससे उसकी भूमिका को आप कैसे जोड़कर देखते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था क्योंकि एक डेटा इकट्ठा हो रहा, लेकिन उस डेटा का शोध जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। देखिए कोविन ऐप जो था, कोविन ऐप में आपको एक सर्टिफिकेट, डिजिटलाइज सर्टिफिकेट मिल रहा था, जिसमें अभी भी आपको शायद वो कोविन ऐप से निकल रहा है, कोविन ऐप तो नहीं रही है, आप एक वेबसाइट है कोविन की, उस पे जी आप जाएंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी डालेंगे, तो आपको सर्टिफिकेट आपका मिल जाएगा वैक्सीन का, कि जी आपको ये डोज इस दिन को इस बैच की आपको लगी है, जी तो वो डाटा तो पूरा मिल जाएगा। जी लेकिन अगर आपने पर्टिकुलरली, जैसे आप कुछ लोगों का क्या है चेंज, मतलब काफी कुछ समस्याएं रहती है जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है, तो इसमें भी वही समस्याएं रही हैं कि लोगों का मोबाइल नंबर चेंज हो गया, शायद मोबाइल गुम हो गया, चोरी हो गया, कुछ भी है, तो उस केस में अब अगर आपने अपना सर्टिफिकेट निकालना है वैक्सीन का, तो वो नहीं अवेलेबल है। और दूसरा क्या हुआ है, जो लॉग इन पोर्टल्स थे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास थे, तो वो भी पोर्टल्स बंद कर दिए गए हैं। तो ऐसे केस में अब डाटा निकालना या करना वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके में भी यही रहा है। अदरवाइज आप
किसी भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ से लेके कोई भी डाटा आज की डेट पे है, तो आपने बर्थ से लेके अभी तक कोई भी इंजेक्शन आपको लगे हैं, कुछ है छोटे बच्चों के जो भी इंजेक्शन लग रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वैक्सीन लग रही है, तो वो आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है। आप अपना एक नंबर डालिए, ओटीपी डालिए, तो पूरा रिकॉर्ड आपके पास आ रहा है उस चीज का, और उसको आप लाइव देख पा रहे हैं कि हाँ आपको ये वैक्सीन लगी है, ऐसे ऐसे लगी है, और जो भी उसमें एड ऑन हो रहा है वो भी साथ साथ चल रहा है। लेकिन जी इस केस में ऐसा नहीं है, कोविन का पोर्टल जो है वो टोटली क्लोज्ड है, बिल्कुल बंद है। अब सिर्फ और सिर्फ आप सर्टिफिकेट जो है अपना वो वेबसाइट से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। पर ये इस डिजिटलीकरण का जो फ़ायदा उठाया जा सकता था, वो फ़ायदा क्यों नहीं उठाया गया? मन में शंका आती है कि इसे समस्या का समाधान हो गया, इसको समझते हुए बंद क्यों कर दिया गया? ये तो लगातार एक ऐसा डाटा भारत की सरकार के लिए काम आता है, या फिर अलग अलग शोधकर्ताओं के लिए काम आता है, कि आखिर वैक्सीन के डोज के बाद जो मरीज़ है उसके साथ जो आप फॉलो अप की बात कर रहे हैं उसमें भी हेल्प कर सकता था ये, लेकिन पूरा ही पोर्टल बंद कर दिया जाना, ऐप बंद कर दिया, कहीं ना कहीं जो है इससे शक को और मजबूती मिलती है। देखिए, गवर्नमेंट ने ऐप बंद किया, गवर्नमेंट ने पोर्टल को बंद कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं जो हेल्थ ऑफिशियल्स जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने शायद कुछ सोच के इसको किया होगा। बट हाँ, एक चीज जरूर है, आप बाहर जा रहे हैं, आप कोई एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, आपने फॉरेन कंट्री में जाना है, तो अभी भी आपसे एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि आपने कोविड की वैक्सीन ली है या नहीं ली है। तो चलिए, जो 18 ईयर्स अबव थे या जो 12 ईयर्स अबव थे बच्चे हैं, उन सबको डोजेस लगी हैं कोवैक्सीन की, सिंगल डोज, डबल डोज, ठीक है जी, जी और आपका कोविशील्ड भी, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज, ये सब लगी हैं। बट अगर किसी को नहीं लगी है और उसको लगवानी है, तो इस बारे में अब बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। अब आपको कोविड के बारे में कहीं से भी कोई डोज की इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है इस मामले में। तो ये एक ऐसा हो गया कि कोविड आया, वैक्सीन आई, और कोविड गया तो वैक्सीन भी खत्म हो गई। हालांकि कभी ऐसा वर्ल्ड में हुआ नहीं है कि कोई भी बीमारी आई है, पर्टिकुलरली कोई भी रही है, तो उसकी जी जो वैक्सीन आई है, जो मेडिसिन आई है, वो अवेलेबल रहती है, उसकी अवेलेबिलिटी रहती है। लेकिन कोविड के केस में क्या हुआ है, कोविड आया, वैक्सीन आई, ठीक है, वैक्सीन अच्छी रही, वैक्सीन ने बहुत जाने बचाई है, वैक्सीन ने एक अच्छा काम किया है, सब कुछ किया है। लेकिन आज की डेट में अगर किसी को वैक्सीन की जरूरत है, उसने सपोज कीजिए उसने बाहर जाना है, जी आप ये मान के चलिए कि किसी भी चीज के लिए, तो आप बोलते हैं आरटीपीसीआर करवा के, लेकिन फॉरेन कंट्रीज ने कहीं ने बिल्कुल वो किया है कि आपको कोविड की डोजेस है वो होनी चाहिए प्रॉपर। तो अगर आपको नहीं लगी है और आप अब लगवाना चाहते हैं, तो आपके पास अवेलेबल नहीं, तो जी तो ये अपने इन आप में चीजों को उन्हीं लेकर, संदेह और शंकाओं को मजबूत करता है कि क्या ऐसा इन होना चीजों को चाहिए लेकर था। शंकाएं कोविड होती कोरोना है, काल जो ऐसा दुनिया क्यों हो ने सकती इसका है। इसकी त्रासदी देखी, भारत में भी अभी तक इससे जुड़ी हुई मौतों का कोई सटीक आंकड़ा, भारत सरकार कुछ कहती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कुछ कहती हैं, ये इस आंकड़ों पर भी कुछ स्पष्टता नहीं है। हिमांशु जी, कोविड के समय में भारत में, खास करके जो दूसरा दौर आया, दूसरा यहाँ पर लहर देखी गई, और उसमें कितनी ही जानें चली गई, परिवार उजड़ गए, लेकिन उस समस्या को भारत में किस तरीके से हैंडल किया गया, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से अब कोविड वैक्सीन और उससे जुड़ी हुई तमाम जो सरकारी पोर्टल, ऐप, इन सब, और वैक्सीन इस खुद में, इन सबों को अचानक से मार्केट से गायब कर देना अपने आप में बात की चिंता जो है बढ़ाता है। और भारत में स्वास्थ्य जो है उसके प्रति सरकार की क्या जवाबदेही है? जनता की जो चिंताएं हैं उस पर सरकार की इग्नोरेंस क्यों दिखती है? ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं उन सवालों को और ज़्यादा मजबूत बनाता है, जो सवाल भारत की आम जनता में इस समय बहुत ही तेज़ी से मजबूत हो रहे हैं। वो इस सवाल का उत्तर समझना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उत्तर नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु कौशिक जुड़े हुए, लगातार उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हिमांशु जी, भारत में जो मौत के आंकड़े थे कोविड काल के दौरान, कोरोना काल के दौरान, इन पर भी एक लंबी चौड़ी बहस देखने को मिलती है, और आपने जिस तरीके से यहाँ पर हमारे सामने जानकारियाँ रखी हैं कि कहीं ना कहीं पोर्टल, बाकी वैक्सीन का यहाँ से हट जाना अपने आप में इन्हीं सब शंकाओं को, सवालों को मजबूत बनाता है। मैं समझना चाहूँगी कि आप कहते हैं कि अगर हम पूरा ही इस तस्वीर को बड़ा कर कर देखें तो वैक्सीन के बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिले हैं। क्या आप भी मानते हैं कि 2 से 3 साल अगर वैक्सीन के डोज के हो गए हैं तो इसके बाद ज़्यादा परेशान होने की या फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्वयं
जो वो मरीज है या फिर स्वयं जो सिटीजन है उसको अपना हेल्थ चेकअप या फॉलोअप करा लेना चाहिए, उसे सरकार के भरोसे पर कम से कम नहीं रहना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं यही बात कहूंगा कि इंडिविजुअली आपको अपनी हेल्थ का ध्यान खुद रखना है, आपको गवर्नमेंट के भरोसे पे बिल्कुल नहीं रहना है। और वैक्सीन आपको एडमिनिस्टर, वैक्सीन मुझे लगी है तो मुझे खुद को पता है कि मुझे वैक्सीन के बाद क्या क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं, कि पहले मेरी बॉडी में क्या इम्पैक्ट था, अब मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। तो वो वैक्सीन के बाद के जो साइड इफेक्ट्स है वो मुझे नजर आ रहे हैं, तो वो मैं ही जाकर अपना बॉडी का जो हेल्थ चेकअप है या कोई भी टेस्ट है तो मुझे खुद ही करवाना पड़ेगा। और यही बात भी है कि अगर मैं गवर्नमेंट के भरोसे पे रहूंगा कि गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ करके देगी तो डेट इज नॉट पॉसिबल, कि आप इतना 90% लोगों को आपने वैक्सीन लगाई है और 90% लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद आप 90% लोगों को जाके पूछेंगे तो ऐसा 10% लोगों को नहीं हो पाया तो 90% को तो पॉसिबल है ही नहीं। जी, तो एज अ हेल्थ एक्सपर्ट आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि भारत में जिन जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन ली है, अगर दूसरी वैक्सीन ली है तो क्योंकि उस पर सवाल नहीं है तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोविशील्ड ली है तो उन नागरिकों को या फिर उन मरीजों को आप क्या अपनी तरफ से सलाह देना चाहेंगे? देखिए, कोविशील्ड है चाहे कोवैक्सीन है चाहे फाइजर की है वैक्सीन, जो फाइजर ने वैक्सीन जो बनाई थी, कोई भी वैक्सीन जो है ये नई वैक्सीन बनी थी और जिसपे ज्यादा रिसर्च वर्क नहीं हो पाया था। सेकेंडली फिर जो वैक्सीन 18 से 20 साल में तैयार होनी थी उसको शॉर्ट स्टेजेस में तैयार करके, शॉर्ट स्टेजेस में उसके सैंपल्स को टेस्ट करके सब कुछ करके, और जब वो वैक्सीन ठीक लगी तो उसको लोगों को दिया गया एडमिनिस्टर करने के लिए, लोगों को लगाने के लिए बोला गया जी। तो ऐसे टाइम पे मैं सभी को एक चीज जरूर बोलूंगा कि अगर आपको अपनी बॉडी में कुछ भी अनयूजुअल नजर आ रहा है तो प्लीज उसको इग्नोर ना करें। आप अपने नियर बाय जो भी आपका हेल्थ इंस्टीट्यूट है वहां पे जाके प्रॉपर अपना एक चेकअप लें, अपने टेस्ट लें, और उसके बाद कुछ भी किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो उसकी मेडिसिन जरूर लें। ऐसा ना हो हम फीवर में क्या करते हैं, हमको फीवर हो गया, हम केमिस्ट के पास जाते हैं, पीसीएम ले ली और एंटीबायोटिक्स ले लिए, खा लिए और हो गया। लास्ट ईयर में अगर बात करूं तो डेंगू से मेरे ही सराउंडिंग्स में कम से कम 3 से 4 यंग एडल्ट्स की डेथ हुई है, 35 to 40, मतलब 30 to 40 एज के बीच में। और सबको अगर देखा जाए तो प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गई थी सबकी, और साथ साथ क्या आप इसको जोड़कर देखेंगे कि उन्होंने वैक्सीन ली थी इसलिए जब उनको डेंगू हुआ तो उनकी रिकवरी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई? देखिए, इस बारे में मैं डायरेक्ट वैक्सीन के ऊपर अगर बोलूं तो वह बात गलत हो जाएगी, क्योंकि वैक्सीन से हुआ या नहीं हुआ ये रिसर्च वर्क और फॉलोअप के बाद ही हमें पता लगेगा कि वैक्सीन से हुआ या नहीं हुआ है। बट जिस चीज का फॉलोअप हुआ ही नहीं है उसके बाद वो हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में कहना गलत हो जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि ऐसी प्रॉब्लम्स वैक्सीन के बाद आप ये कह लिए संयोग है या वैक्सीन के बाद हुआ है तो वो लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं रहता है कि हाँ जी वैक्सीन लगवाई थी उसके बाद से तबीयत डाउन हो गई थी और बाद में प्लेटलेट्स डाउन हो गई, डेंगू हो गया। तो रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो उसमें डेंगू पॉजिटिव कहीं भी नजर नहीं आया है। जी, अगर बात करें कि आपका सैंपल हुआ है डेंगू का, NS1 पॉजिटिव है, NS2 पॉजिटिव है, वो कहीं भी नजर नहीं आया है, लेकिन प्लेटलेट्स डाउन हो गई। तो इंडिया में लोगों के मानना ये है कि अगर आपकी प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स गिर रही है तो इट मींस आपको डेंगू हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। प्लेटलेट्स गिरने के बहुत कॉज होते हैं, प्लेटलेट्स गिरने के साथ साथ आपके लीवर के टेस्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपका आप एक्यूट लीवर फेलियर में जा रहे हैं, तो ये काफी चीजें हैं जिसके बारे में मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और थोड़ा सा फॉलो अप या फिर रिसर्च कम से कम इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। थोड़ा सा लोगों को जागरूक करना जरूरी है, आपने अच्छा है, वैक्सीन ने अच्छा काम किया है, सब कुछ है, लेकिन लोगों को जागरूक करना, लोगों का फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। जी। और मैं आपको रूरल एरिया की बात ज्यादा करूंगा क्योंकि रूरल एरिया में ऐसी समस्याएं काफी आती है, मैक्सिमम हम लोग उन्हीं केसेस को रजिस्टर कर पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, हॉस्पिटल तक पहुंच रहे हैं। जी। उसके अलावा हमारा NCD चल रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज चल रही है, उसका पोर्टल है, उसमें
पूरे गांव के जितने भी डिजीज है लोगों को, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, चाहे वो शुगर है, चाहे बीपी है, कार्डियक रिलेटेड है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जितनी भी है उसको रजिस्टर किया जा रहा है। आशा वर्कर वो घर घर जाके उनको रजिस्टर कर रही है, हेल्थ वर्कर्स उनको रजिस्टर कर रहे हैं, आशा, एक आभा पोर्टल है, आभा पोर्टल पे भी बीमारियों को रजिस्टर किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट उस तरफ अच्छा ध्यान देती है, लेकिन अकेला आप पोर्टल पे रजिस्टर करने से ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं होती बिल्कुल है। हाँ वो रजिस्टर करने के साथ साथ आपको हेल्थ इंस्टीट्यूशंस ऐसे देने पड़ेंगे जहां पे आपको ट्रीटमेंट लोगों को मिल सके, रेफरल इंस्टीट्यूशंस की बजाय आपके हेल्थ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हो जहां पे पहुंचते ही आपको डॉक्टर्स अवेलेबल हों, आपको कार्डियक अरेस्ट आया है, तो ऐसा ना हो कि आप पहले घर से अपने गाँव से 20-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर एक अस्पताल में जा रहे हैं, जी नागरिक अस्पताल में या सिविल हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद आपको वहां से रेफर किया जाता है मेडिकल कॉलेज के लिए, उसके बाद फिर वहां से आपको हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाता है कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। तो गवर्नमेंट को इस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जी वही बिल्कुल हिसाब आ जाता है आपका फॉलोअप का, तो फॉलोअप के लिए मेरे हिसाब से ज्यादा थोड़ा गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल स्ट्रिक्ट। मैं एक ये जो दो लड़कियां जिनकी मौत की जो खबर है और उनके अब माता पिता ने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है, भारत में ये दो लड़कियों की मौत हो गई थी 2021 में, एक रितिका श्री आमट्री थी और एक करुण्या थी। अब इन दोनों के ही माता पिता ने कहा है कि वो सिर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो है कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? ये दोनों ही बहुत ही यंग डेथ्स थी और बहुत ही दुखदाई डेथ्स कही जाती हैं। एक की वैक्सीन लेने के दो जी हफ्ते के भीतर डेथ हो गई और एक की एक महीने के भीतर। जी करुणिया को जो वैक्सीन लगी थी उसकी वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन के तकरीबन तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर, 2 हफ्ते के अंदर अंदर डेथ हो गई थी। और उसके फादर ने अब जब एस्ट्राजेनिका का ये एक स्टेटमेंट आई है। जी स्टेटमेंट आई है कि टीटीएस हो सकता है, उसके बाद उसके फादर ने सुप्रीम कोर्ट के लिए अपना रुख किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि शायद मेरी बेटी की जो डेथ है वो भी इसी की वजह से हुई है, और उसके लिए जांच की एक मांग की है। जी बट अभी बात करें तो ना तो गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में कोई स्टेटमेंट आई है, ना आईसीएमआर ने इसके बारे में ही कोई स्टेटमेंट दी है कि वेदर द डेथ वॉज ड्यू टू वैक्सीनेशन और द कॉज वॉज समथिंग एल्स। तो अभी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती बींग अ कोर्ट मैटर, इसके बारे में स्टेटमेंट देना थोड़ा जल्दी हो जाएगी जी और थोड़ा गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल जी लेट्स होप क्या आता है निकल के। जी लेकिन अगर ये मामला इस तरह से ये कानूनी लड़ाई आगे लेकर जाते हैं, कोर्ट तक पहुंचती है, तो क्या आपको लगता है कि जो जानकारियां निकल कर आनी चाहिए थी इससे जुड़ी हुई, उन जानकारियों को ज़रूर जो है लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा? जी कोर्ट तक पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में एक इंक्वायरी कंडक्ट करने को भी कहा है, इसके बारे में एक अभी जांच जवाब कमेटी मांगा बिठाने के है। जी अभी लिए, जवाब मांगा है। जी जवाब मांगा है, गवर्नमेंट का जवाब मांगा है कि आप जवाब दीजिए कि ये ऐसा है या नहीं है। तो जी जब तक गवर्नमेंट जवाब फाइल नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट नहीं देता तब तक ये पॉसिबल नहीं है। हाँ एक चीज जरूर है, इससे जरूर ये जरूर होगा आप काफी लोग निकल के आएंगे, उसको आप पॉलिटिकली कह लो कुछ भी कह लो, तो हम उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं, जी लेकिन काफी लोग निकल के आएंगे और एक्चुअल केसेस पता लगने में अब काफी अब एक लोगों तक अच्छा वो रहेगा जानकारियां। कि जी एक्चुअल जानकारी क्या है, थोड़ा वो जरूर निकल के आएगा इसमें। बिल्कुल, तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि ये जो मसला ऑलरेडी कोर्ट तक पहुंच चुका है, इससे बहुत सारी जानकारियां जो अब तक पब्लिक में नहीं आ सकी हैं, सार्वजनिक नहीं हो सकी, उन जानकारियों, खास करके कोविड वैक्सीन की बात हो या कोरोना काल में जो मरीज़ रहे उनसे जुड़ी हुई जो डाटा और आंकड़े हैं उस पर जो बहस चल रही है उस पर थोड़ी सी स्पष्टता आ पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर हिमांशु कौशिक, आपने अपना कीमती समय दिया चर्चा द ट्रुथ के लिए। उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों तक हम इस वैक्सीन से जुड़ी हुई जो भी शंकाएं हैं उस पर कुछ स्पष्टता हो सकती है, लेकिन बहुत सारी जानकारी अभी भी निकल कर सामने आना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर हिमांशु आपका। दर्शकों से अनुरोध करूँगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुँचानी है तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं info@justbroadcasting.com या फिर @justbroadcasting.com पर भी। नमस्कार।